ये देखिए यहाँ पर शांति दीप के स्थान पर हम लोग पहुँच चुके हैं और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, सामने बाल बुद्धा है, वहाँ का भी दर्शन करेंगे आज और अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखाएंगे भी। और हम जो दर्शक हमारे चैनल पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, नया जुड़ना चाहते हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं। और इस वक्त हम लोग दीप शांति स्तूपा के यहाँ हैं। यहाँ पर देखिए दीप, ये 24 घंटा हमेशा जलती रहती है, चाहे आंधी आए चाहे पानी आए, कोई दिक्कत नहीं है और यहाँ पर जलता रहेगा। इस वक्त हम फिर सामने दिखा रहे हैं आपको, बाल बुद्धा है, बाल बुद्धा की तस्वीर, यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चल रहे हैं और अभी हम भगवान बुद्ध के जन्म स्थली पर वहाँ पर भी जाएंगे। वहाँ पर दीप दान है इस समय, उस जगह की अभी हम आपको लाइव दिखाएंगे और हम चल रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर देखिए सामने बिच्छुड़ी भी हैं, ये सामने बिच्छुड़ी बर्मा के लग रही हैं। यहाँ पर देखिए हमारे बीच में ये काफ़ी लो, देखिए यहाँ पर ये हम बाल बुद्धा प्रतिमा के पास पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और ये देखिए जितने भी ग्राउंड है सामने भी आप देखिए, यहाँ पर पूरी एकदम भीड़ है, बहुत भीड़ है यहाँ पर। इस वक्त हम आपको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं, ये आप देखिए, ये सामने हम आपको दिखा रहे हैं भगवान बुद्ध की जन्म स्थली से लेकर के यहाँ तक की आपको ये देखिए। इस वक्त दीप शांति स्तूप के सामने भी देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं और हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। ये आपका आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ पर देखिए सामने बिच्छुड़ी भी है यहाँ पर। और हम चल रहे हैं भगवान बुद्ध के जन्म स्थली पर, इस समय वहाँ पर दीपदान होने जा रहा है और वहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है इस समय, इस वक्त। ये हम ले चल रहे हैं अभी आपको, वहाँ की भी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। ये सामने देखिए अभी रात को ये सामने लुम्बिनी लिखा हुआ है, ये कैसे लाइट इसमें जलती है, बहुत अच्छा सुंदर दिखता है। यहाँ पर हम चल रहे हैं आगे, सामने देखिए कितनी भीड़ है, इस भीड़ को आज बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है ये सामने हम आपको दिखाएंगे। और ये आप देखिए यहाँ पर लिखा गया है लुम्बिनी, ये रात को लाइट ऐसे जलती है कि इतना सुंदर लगता है और दोनों तरफ आमने सामने लिखा गया है लुम्बिनी। और पीछे हम दिखा रहे हैं देखिए काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं भगवान बुद्ध के जन्म स्थली पर दर्शन करने के लिए चल रहे हैं और हम भी धीरे धीरे वहाँ चल रहे हैं भगवान बुद्ध के जन्म स्थली पर, जहाँ पर अभी दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, वहाँ की भी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाएँगे से पर। और यहाँ देखिए दोनों तरफ झील बनाए गए हैं, बहुत अच्छा ठंडा ठंडा यहाँ लग रहा है इस पानी के हिलकोरे से। और इस तरफ आप देखिए दोनों साइड में पानी जैसा कमल के फूल भी खिले हुए हैं, अलग अलग रंग में हैं, नीला भी है और भी कमल दिखाई दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा नीला कलर में इस समय दिखाई दे रहा है। और हम चल रहे हैं भगवान बुद्ध के जन्म स्थल पर दर्शन करने के लिए, वहाँ पर दीपदान का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। ये देखिए यहाँ पर भगवान बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी में बुद्ध के चाहने वाले यहाँ पर इस समय चल रहे हैं। देखिए ये छोटी सी गुड़िया है और अपने पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये सामने दिखाया, हेलो हेलो, देखिए। और हम
ये यहाँ देखिए दर्शन करने की लाइन लगी हुई है, बहुत लंबी लाइन है यहाँ पर। टिकट काउंटर आज फ्री है फिलहाल, और ये लाइन देखिए दर्शन करने के लिए है, बहुत लंबी लाइन है। और हम आगे भी दिखा रहे हैं, चलते रहो। ये यहाँ पर देखिए बहुत लंबी लाइन है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। शाम का वक्त है आपका, साढ़े छः बज रहे हैं, ये सब दर्शन करने के लिए यहाँ पर ना लाइन लगाए हुए हैं। और अंदर अभी दीपदान होने जा रहा है आज इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व पर। तो हम सामने लोग हैं यहाँ पर, हम दिखा रहे हैं सामने ले सीधा, हाँ देखते हो। ये देखिए बहुत लंबी लाइन है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। हम लोग चल रहे हैं यहाँ पर, देखिए ये लाइन लगाई गई है। आज यहाँ पर टिकट फ्री है धम्म अनुयायियों के लिए। यहाँ पर ये हम प्लीज आओ उधर। ये इधर भीड़ दिखाओ, इधर बढ़िया सर, अच्छे शूटिंग। ये यहाँ पर, ये यहाँ पर देखिए, और ये आपको आओ यहाँ पर भगवान बुद्ध के जन्मस्थली दोबारा हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस वक्त शाम का 6:30 बज रहे हैं और यहाँ देखिए बहुत भीड़ लगी हुई है। और अभी लोगों को दर्शन करने के लिए हम आपको अपने चैनल के माध्यम से कवरेज करके दिखा रहे हैं। लाइन सामने कैमरा जरा घुमाइए, ये माया देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए कितनी लंबी लाइन है इस वक्त यहाँ पर देखिए। और ये लाइन सुबह से ही इसी तरह है और इस समय और भी लाइनें बढ़ गई हैं। और ये आप देखिए, और वहाँ पर देखिए दीपदान होने जा रहा है। ये आज लुम्बिनी पूरा भरा हुआ है यहाँ पर, ये हम अंदर भी ले चल रहे हैं आपको दिखाते हैं। ये हम भगवान बुद्ध के जन्मस्थली पर हैं, यहाँ पर देखिए कैसे दीप जल रहे हैं, यहाँ पर जगमगाहट है, यहाँ पर रोशनी कैसे की गई है। अभी ये थोड़ा जैसे अंधेरा होगा, देखने में कितना खूबसूरत लगेगा। यहाँ पर जितने भी पार्क बनाए हैं, पार्क के ऊपर भी लाइट रखी गई है, देखिए हरी हरी लाइटियाँ जगमगा रही हैं। और यहाँ पर देखिए विदेशी भिक्खु लोग हैं यहाँ पर अभी। ये आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर अभी दीप जलाया जाएगा, ये कितना खूबसूरत लगेगा। ये भगवान बुद्ध के जन्मस्थली लुम्बिनी में, यहाँ पर देखिए जितने भी गार्डन है यहाँ पर हरे हरे कलर के यहाँ पर बल्ब लगाए गए हैं सभी गार्डन में, सभी जगह पर। और हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये आप देखिए यहाँ पर and wearing a little smile
this mind of contentment, then let the stream of relaxation flood into your whole body. Relax and relax. With the eye closed, you can feel the simply relax. In the first or one first. Because any sight that I take could vibrate and stimulate our feeling. And only you, yourself, can create peacefulness. Peacefulness arises from your inside, not by others. So, to gain peace is firstly upon yourself. And please do take a deep breath. Fly gently in and slowly out. Within yourself. And feel experience. Be in the audience with the Buddha. Feeling as if we are listening. Hey, Babu Bosa. Allah Nagar Bosa. That we are listening to his sermon. Please enjoy. And realize the scene of the Buddha and Dhamma for a moment. Is within you. Is radiant from your center. Look at the Buddha within yourself. Visualize the Buddha with brightness and purity. Feeling that you are being as one with the Buddha. Each and every moment you are with the Buddha, the mind becomes purer and brighter. The Buddha within. Allow your mind to go deeper into the purity, deeper into the brightness, deeper into the hidden wisdom inside the mind. And let's still the mind, purify your mind. ये देखिए, हम ये इस वक्त लुम्बिनी नेपाल में, जहाँ पर भगवान बुद्ध को जिस तालाब से नहलाया गया था उस जगह पर हैं। बताया जाता है कि यहीं इसी जगह के पानी से उनको जब जन्म हुआ था उस समय यहीं के पानी से उसको भगवान बुद्ध को नहलाया गया था। आज उस तालाब के चारों तरफ दीप जलाए जा रहे हैं और यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा नेपाल राष्ट्र के उपासक उपासिका लोग मौजूद हैं और तमाम भी उपासक उपासिका हैं। यहाँ देखिए काफ़ी भीड़ है, शाम का वक्त है आपका, 6:30 बज रहे हैं और इस वक्त यहाँ पर देखिए सभी लोग इस दीपदान में शामिल हुए हैं और अलग अलग जगह से आए हैं। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये देखिए
भगवान बुद्ध के जहाँ पर जन्म हुआ था, बताया जाता है कि वहाँ पर भगवान बुद्ध का पैर पड़ा था, उस जगह को कैसे सजाया गया है, यहाँ पर कैसे यहाँ पर दीप जलाए जा रहे हैं। देखिए सभी उपासक उपासिका द्वारा यहाँ पर दीप दान किया जा रहा है। आज वैशाख पूर्णिमा के पावन पर्व पर, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जिसे पूरे विश्व में मनाया जा रहा है आज बुद्ध पूर्णिमा। और यहाँ पर हम लोग लुम्बिनी नेपाल से आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, ये आपका ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर शाम का वक्त है और ये आप देखिए हमारे बीच में यहाँ पर पूरा लुम्बिनी धम्म अनुयायियों के से पूरा जमा हुआ है। यहाँ पर अलग अलग देश से लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और यहाँ आपको दिखा रहा हूँ इस अपने चैनल के माध्यम से, और आप देख सकते हैं यहाँ बहुत भीड़ है। यहाँ कम से कम चारों तरफ मिला करके 50,000 से ज़्यादा लोगों की भीड़ होगी, क्योंकि जहाँ देखो वहाँ पर ही भीड़ नज़र आ रही है। और आज इस बुद्ध पूर्णिमा के पावन पर्व के अवसर पर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए हमारे बीच में सिद्धार्थ नगर नवगढ़ की लोग भी आ चुके हैं, उपासक लोग यहाँ पर इस समय। और अभी हम लोग कुछ समय में घर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आज हम लोग को रुकना नहीं, कल सुबह निकलना है कुछ कार से और कहीं और जाना है। ये देखिए हमारे बीच में है, और ये यहाँ पर ये इधर का लो, तो चलो लोगों का लो, लो ना लो। ये देखिए यहाँ पर इस वक्त हम लोग का धीरे धीरे समय हो रहा है जाने के लिए, क्योंकि रात का वक्त है अब। तो हमारे तीन लोग पता नहीं कहाँ हैं, वहीं पे गाड़ी के नीचे। ये देखिए अभी भी भीड़ खत्म नहीं हो रही है, अभी भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने के लिए भीड़ खत्म नहीं हो रही है। और ये भीड़ बहुत ही लंबी है, 1 किलोमीटर की दूरी हम लोग तय कर चुके हैं, और आगे अभी और भीड़ दिखाई ही पड़ रहा है, क्योंकि रात के समय यहाँ पर अच्छा लुक है देखने लायक। और आपका शेड्यूल चेंज, आपको बराज जहाँ नहीं जा पाए ना, आप चाहेंगे भी रात को? होगी तो अब निकल जाएगी। हाँ पानी।